Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Good morning, Jesse Krishna, and welcome back to Pujan Diaries. How are you, friends? I'm good, fine and healthy. Harpur will be ready, and I'll be ready. सुबह के बज चुके 5:30 और हम दोनों रेडी है, थोड़े नींद में हैं, देखो दोनों है ना, इतनी जल्द हो चुकी है, रेडी हो के जॉब पे जा रहे हैं। दिखाओ, ओ ग्रीन ग्रेप्स, ये ग्रीन ग्रेप्स बहुत टाइम बाद लाए हम, ब्लैक हाँ रेड रेड हाँ वही लाते हैं इस बार ग्रीन ले लिया। यस चेंज आलू भी लाए थे पर आलू नहीं लेना, आलू अभी थोड़ा पकने दो, उस दिन खट्टा लगा था ना, थोड़ा खट्टा था। हाँ इसको मैं बैग में रख लेता हूँ। ओके ओके, तो बस अभी रेडी होके थोड़ी देर में निकल दे है, फिर मिलते हैं। पिया भी कर लिया और मस्त रेडी हो गए, फ्रेश हो गए एकदम। हाँ थोड़ी थोड़ी ये थोड़ा खोल के जाना पड़ेगा, अभी पहले तो मैं था तो देख लेते थे, अभी बस ये तैयारी हो रही है जाने की और रेडी होके बस। अभी बहुत अंधेरा रहता है, हाँ पहले जाती थी तब मस्त रहता था, अभी अरे टाइम टाइम फेस हो गया है। हाँ ये बास्केट में मस्त सब हो जाता है, देखो ये लिया था उस दिन हमने डॉलर ट्री से, $1 में तो काकड़ी ली थी। हाँ इसमें क्या सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो रखना वो साथ में मस्त रख सकते हैं, तो एक और लेके आएंगे ऐसा हमने सोचा है, तो ले आएंगे थोड़े, मतलब कुछ भी रखना उसमें तो रख सकते, अच्छा रहता है, अच्छे से खुला रहता है, तो वो क्या बिगड़ने का चांसेस कम हो जाते हैं, इसीलिए अभी बस दोनों सुबह सुबह ही हलचल मची रहती है हमारे यहाँ बस यही है। अभी अब से एकदम जो रियल लाइफ शुरू हो रही है ऐसा लग रहा है, शेड्यूल टाइट रहता है हमारा। ओके तो चलो मिलते हैं बाद में, बाय। रात की तैयारी अभी से शुरू है ना पूर्वी, अभी तो सुबह से रेडी करके जाना पड़ता है। हाँ ये सब करके फिर जाएंगे, शाम को थोड़ा लेट भी हो जाए तो टेंशन नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं, ये भिगो के जाएंगे। हाँ तो क्या आके फिर वही करना, बापना बॉईल ही करना रहेगा, आके फिर से रद्दी कुकर पे दूधी चना का साग सोचा है, दूधी लाए दूधी। हाँ तो बहुत सारी लाए थे ना उस दिन, अभी भी डेढ़ जितनी बची है, यस एक और आधी है पूरी, तो वो यूज़ कर लेंगे। ओके ये बस पीपो के रख देते हैं तो क्या शाम तक वो एकदम मस्त सॉफ्ट हो जाएगी, ज्यादा सीट में लगाना पड़े ना हो जाएगा। तो बस ये हम निकल गए, पर मैं आपको अंधेरे में ही दिखूंगी, हम दोनों अंधेरे में दिखेंगे, हाँ, क्योंकि सिग्नल पे है और बहुत सुबह सुबह भी इतना ट्रैफिक रहता है रोड पर, मोस्टली सब मुझे लगता है इतने बजे निकल ही जाते हैं, है ना, 50% लोग तो निकल ही जाते होंगे सुबह सुबह ही, इसलिए इतना ट्रैफिक रहता है, और अभी अंधेरा ही होता है तो देखिए, इसलिए हम भी अंधेरे में ही दिखेंगे अब तो, सुबह सुबह अंधेरा फिर उजाले में। हाँ देखिए आपको ट्रैफिक दिखा दी हूँ मैं सुबह का, अपोजिट साइड पर है, सुबह सुबह में इतनी लाइन, चुका था तो सोचा चलो अब पी लेती हूँ, तो पानी भी पी लिया है, सुबह का रूटीन ऐसे ही। घंटा क्यों वो भी बताओ। हाँ नहीं क्योंकि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है ना, तो मैं सुबह उठ के पहले वो मेडिसिन लेती हूँ, तो बस इसलिए
उसका एक घंटे का मुझे वो टाइमिंग रखना पड़ता है, वो तुरंत नहीं पी सकते ना उसके बाद, मतलब दवा पीने के बाद एक घंटे तक कुछ भी ना ले वही अच्छा है, तो वो उसका जो भी हो वो इफेक्ट करता है अंदर बॉडी में। तो इसलिए ये डेली का रूटीन है, सुबह उठो, दवा पियो और फिर एक घंटे बाद मैं अपना वार्म वाटर पीती हूँ। इधर नहीं तो मतलब यूजुअली जॉब पर जाके पहले वही करती हूँ, पर अभी जनक ड्राइव कर रहे हैं तो मेरे पास टाइम है तो मैंने रास्ते में ही पी लिया, और केला लेके आई हूँ तो वहाँ जाके अभी केला खाऊंगी पहले। बस देखो वापस अंधेरा हो गया, मैं दिखती नहीं हूँ। तो बस चलिए वहाँ जाके मिलते हैं पार्किंग लॉट में, रूटीन तो खत्म कर लिया है अभी। વિડિયોમાં આપણે પાછળ બતાવીએ તો એમ અજવાળું દેખાય ને એમ આપણને કેમ અંધારું લાગે ખબર નહીં પડતી, દેખે પીછે આપ લોકો કો એસે ઉજાલા દિખ રહા હોગા હે ના રાબતી ને હા પણ એક્ચ્યુઅલ મે અંધે અંધે અરે ઉજાલા હે નહીં અંધેરા હે। तो आप जब लोग जब भी आप लोग मतलब ये थायराइड का रिपोर्ट भी करने जाते हो ना तब भी डॉक्टर लोग यही बोलते हैं कि खाली पेट ही जाओ, मतलब सुबह कुछ भी, रात को जो हमने पानी पिया होता है मतलब 8-9 घंटे का गैप होना चाहिए उसका रिपोर्ट करने से पहले, तो फास्टिंग जैसा मतलब करना पड़ता है, ना पानी ना खाना कुछ भी नहीं, तो रिपोर्ट वो अच्छी तरह से आता है ऐसा होता है उसमें। हाँ देखिए अब थोड़ा थोड़ा उजाला शुरू हुआ है क्योंकि 6 बजने को आए हैं इसलिए, तो बस देखिए यही है लाइफ, ये आ गई, ये सुबह सुबह उठ गए। इंडिया में थे और तब मतलब बोलते थे कि चलो कल सुबह की मतलब कोई मॉर्निंग में ट्रेन पकड़नी हो ना मतलब क्वीन ऐसा सब, तो बोलते थे चलो जल्दी सो जाओ भाई कल तो क्वीन में जाना है जल्दी उठना है ऐसा बोलते थे। हाँ रोज यहाँ क्वीन ही है, अभी यहाँ रोज क्वीन हो ही जाती है ऐसा ही समझो, क्वीन की ही जॉब कर रहे हैं बस। अब इतना है कि आफ्टरनून में आ भी जाते हैं, डिपेंड अब हम कितने बजे निकले उसके ऊपर है, अदरवाइज आफ्टरनून में तो घर आ जाते हैं फिर पूरा दिन मतलब रहता है हमारे पास, इतना फर्क है। हाँ बस अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम तो ऐसे रहेगा ही राइट, बस हम भी ये ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं पार्किंग लॉट में आ चुके हैं इधर। सुबह सुबह आवाज भी थोड़ी अलग आती होगी है ना, नाक खुली होती है तो फिर गला कैसे खुलेगा सुबह सुबह, तो इसलिए आवाज भी आप लोग को थोड़ी मेरी अलग ही आएगी। अभी वहां जाके थोड़ा चिल्लम चिल्ली होगी तब जाके आवाज खुलेगी है ना। चलिए तो देखिए बस ये हम अपने पार्किंग लॉट में आ गए, ये जनक, चलिए तो मिलते हैं बाद में वापस फ्रेंड्स। बस ये देखो मैं तो थोड़ी देर आराम कर रहा था क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा लेट है, तो आके थोड़ी देर बस यहाँ पे लेटा था और बस थोड़ी देर में ही अभी जाऊँगा, फिर शाम को मिलेंगे वापस क्योंकि फिर वहाँ पे शूट करना वो सब रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है जॉब पे, तो बस करके फिर मिलेंगे वापस। ओके टिल देन एंजॉय कीजिए आप लोग और खुश रहिए मजे कीजिए, बाय बाय। तो बस ट्रेनिंग ख़त्म करके अभी मेट्रो स्टेशन पे आ गया, तो वहाँ पे एलिवेटर में आया, तो अभी यहाँ से LL लेवल पे जाना है हमें, LL तो मैंने अभी प्रेस किया है, तो वहाँ से फिर बस तो निकलते ही दिखाता हूँ, तुरंत ही आ जाता है मेट्रो स्टेशन। ये देखो LL लेवल पे आ गया और बस यहाँ सामने ही है मेट्रो स्टेशन। देखो ये भी एकदम बड़ी से नीचे से ऊपर तक जाने का है मेट्रो के लिए, तो यहाँ से ऊपर चलता हूँ एकदम ऊपर तक। तो बस आज भी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, तो 100 दिन हुए हैं, आज तो पूरा कंप्यूटर पे ही था तो पूरा दिन बस कंप्यूटर में ही देखता रहा,
आंखें दर्द करने लगी। ब्रेक भी नहीं लिया आज तो, अभी घर जाके पहले खाना खाऊंगा। थोड़ा नाश्ता लाया था वो कर लिया, इसलिए थोड़ा अच्छा रहा कि सूखा नाश्ता लेके आया था, तो वो अच्छा रहा मुझे। तो बस अभी ये देखो पूरा एस्केलेटर एकदम बड़ा सा है और मस्त रही ट्रेनिंग में। अभी कल से शायद ड्यूटी पे लगाएंगे, क्या ड्यूटी पे क्या करना है उसका थोड़ा समझाएंगे, ये वर्क प्लेस पे क्या क्या होता है वो सब समझाया आज और वो सब था। बस अभी चलते हैं और ट्रेन आएगी, अभी ट्रेन में तुरंत घर पहुंच जाएंगे, नज़दीक ही है जो ज़्यादा टेंशन नहीं। और यहाँ पे थोड़ा बारिश जैसा भी हो गया था पर वो बादल निकल गए तो इसलिए ज़्यादा बारिश नहीं हुई। थोड़ी जब बाहर निकला तो बूंदे जैसी गिर रही थी, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है भाई, तो पर बस ऐसा कुछ हुआ नहीं और शांति से आ गया मैं। मुझे लगा भीगते जाना पड़ेगा क्या नो बस अच्छा है और एकदम मस्त, अभी भी एकदम ठंडा है वातावरण एटमोसफियर। तो बस अभी आएगी ट्रेन तो बस चलते हैं। और ये ट्रेन का पीछा छूटने वाला नहीं है, इंडिया में भी इतना सारा अप डाउन किया, यहाँ पे भी अप डाउन, यहाँ पे अच्छा है कि नज़दीक ही है जल्दी पहुँच जाते हैं इसीलिए। यस दो चार लोग तो हैं और बस आज सो ट्रेन अलग है, यहाँ पर चलते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे सब जगह पे अंदर मैप वगैरह दिया ही होता है तो वो टेंशन नहीं रहता है कि आप कहाँ जाओ कैसे जाओ, ये देखो मैप ऐसे सब ट्रेन में लगा हुआ है। मैं और पूरे भी इतने कॉमेडी है जैसे सालों से देखा नहीं है ना वैसा कर रहे हैं। तो अभी ये ट्रेन उसके ऑफिस के पास से गई तो वो भी बाहर आई और मैं भी डोर के पास खड़ा रहा था, देखा एक दूसरे को, मज़ा आ गई ऐसे ओ पुराने बिगड़े यार लव बर्ड मिले नहीं हो वैसे किया देखो बाहर एटमोसफियर तो कह रहे अच्छा है। चलो अभी घर पहुँचता हूँ, आज थोड़ा सा खाना भी बनाना है, घर जाके बहुत काम है आज। और बस 10 मिनट भी नहीं हुए और हम उतर गए, तो अभी ऐसा ही रहेगा, देखते हैं जब तक पूरा टाइमिंग्स वगैरह सब सेट नहीं होता तब तक ऐसे ही आते जाते रहना पड़ेगा। और चलो कोई नहीं, अच्छा लगता है कुछ नया जानने को मिले या नया करने को मिले। और बस उतर गया और ये चल के जा रहा हूँ, आज भी अभी थोड़ा इतना वो नहीं है एटमोसफियर अच्छा है तो चल के जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ 15-1 मिनट में तो पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पहुँच के खाना खाएंगे और मज़े करेंगे और मचाएंगे। रोड देखो पूरा खाली, कोई नहीं है भाई, हम ही हैं ऐसे। हाँ तो और यस इट्स अ न्यू बिगनिंग, देखते हैं अभी और थोड़े टाइम अभी ऐसे ही हमारे व्लॉग्स आएंगे सुबह का शाम का या दोपहर का, क्योंकि एडिटिंग का भी फिर टाइम निकालना पड़ेगा और वो सब में भी वी विल ट्राई कि रोज़ ही मिले, रोज़ ही व्लॉग अपलोड करूं। यस तो मिलते रहेंगे और चलो अभी रास्ते तो जल्दी से काट लेता हूँ तो जल्दी पहुँचता हूँ घर, भागता हूँ आज। और यहाँ देखो ये म्यूजिक चला के साइकिल चला रहे हैं एकदम मजे में एकदम चाका जा, वो लोग खुश हो रहे हैं म्यूजिक लगा के और मुझे वो कर रहे हैं एक्साइट हो गए। आज एक नया रोड ट्राई कर रहा हूँ, सोसाइटी में ही है पर अंदर से जाने का है। देखो ये रोड ट्राई कर रहा हूँ, इतना काफ़ी अच्छा लग रहा है ये तो। तो ये पीछे के रोड से जा रहा हूँ, लेट्स सी रोड कैसा है आगे। ये सोसाइटी के अंदर ही है पर पीछे का एक रास्ता है तो सोचता हूँ वो ट्राई करे तो जल्दी से पहुँच जाओ, ऐसा ना हो कि शॉर्टकट ढूंढने में लॉन्ग कट हो जाए। कोई नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा इससे और कुछ नहीं।
तो घर के पास पहुंच के थोड़ा ही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो एक दूसरा रोड जो हम वॉक पे जाते हैं ना, वहाँ पे पहुंच जाऊंगा मैं डायरेक्ट। यस, यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, छाव है, टेंशन नहीं। इसलिए देखिए सामने वो लेक आ गया जहाँ हम रोज़ चलने आते हैं, वो रहा सामने घर। ये देखिए ये लेक आ गया, तो बस तुरंत ही घर पहुंच गया। ये अच्छा मिल गया रोड है ना, इसे ढूंढे रहने का कुछ ना कुछ मिल जाता है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारा ही एरिया। तो बस घर आके एकदम फ्रेश हो गया, एकदम चकाजाम, और अभी खाना खा लेता हूँ, लंच करता हूँ। 4:15 4:15 ही हुए हैं, खा लेते हैं। और फिर खाना बनाना है तो उसके लिए रख दिया है दूधी चना का साग, वो बाफ में बॉईल करने रख दिया है, बॉईल उबालने के लिए। तो एक दो सीटी में हो जाएगा वो, फिर उसका मसाला ही करना है और रोटी करनी है। दैट्स इट, कल के लिए है। पूर्वी का मेरे तो अपुन का तो फास्ट है, तो मैं फ्रूट्स और वो सब ले जाऊँगा। आज ट्रेनिंग थी कंप्यूटर पे और सब लोग वहाँ बैठे ही थे, इसलिए फिर कहीं पर कोई गया ही नहीं, तो लंच स्किप हो गया। नाश्ता लेके गया था मुमरा और सब, तो वो खा लिया था मैंने, इसलिए थोड़ा इजी रहा। और सुबह में चाय तो पी ली थी, दैट्स इट। तो चलो अभी लंच करते हैं, फिर बाद में मिलता हूँ। लो जी सब्जी बन रही है और रोटी का लोड भी बना दिया है। तो बस देखिए फ्रेंड्स, पूरी भी आ गई और मस्त रोटी बना ली है हमने। रोटी का काम तुरंत हम लग पड़े अपने दूसरे काम पे, दूसरे काम पे एक काम छोड़ा दूसरा, और तीसरा काम ये है, हम तीन चार काम एक साथ करते हैं क्योंकि है ना। तो बस ये रोटी बना दे है, सब्जी भी रेडी है, तुरंत लग पड़े तो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हाँ, मैंने फिर थोड़ा सा बैठ के आराम कर सके ये, और थोड़ा साथ में आज थोड़ी ज्यादा भूख लगी है, तो सोचा कि चलो स्प्रिंग रोल है तो वो भी थोड़ा कर लेते हैं। तो मैंने जनक को बोली दिया था कि निकाल के रखना, क्योंकि फ्रोजन में तो ज्यादा वो होते हैं ना, तो बाहर निकाल के रखे तो वो रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगाना पड़े थे यार, इसलिए रोटी भी ऑलमोस्ट हो गई है। एयर फ्रायर में रख देते हैं वो करके, फिर ज्यादा नहीं किया है, चार पांच ही है। सिर्फ टेस्ट के लिए, वो तो टेस्ट के लिए चटा का, हमारा चटा का बहुत होते हैं ये, थोड़ा सही है बस, ये कर लेते हैं और फिर आराम करेंगे। ये थोड़ा पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि गैस के पास कब से खड़ा हूँ, गैस चालू है ना, और वो जो ये फुलका रोटी बना दे ना, तो वो दूसरे वाले गैस पे थोड़ा हीट ज्यादा करना पड़ता है, तो ही वो फूलती है ना, अदरवाइज इलेक्ट्रिक पे जल्दी फूलता नहीं है, इसलिए उसको नजदीक ही रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी हीट ज्यादा लगती है। आज तो मैंने यहाँ अपनी स्ट्रीट में भी एक नया शॉर्टकट ढूंढा, वो आप भी ब्लॉग में देखना। हाँ, जो हम वहाँ चलने जाते हैं ना वो रोड पे, अच्छा वो रोड से, हाँ जो बीच में नहीं, वो एक ब्रिज है यहाँ उतर दे वहाँ से, वो सामने वाला रोड जाते हैं तो डायरेक्ट मेन रोड पे आता है, तो मैंने ढूंढ लिया, हम पहुँच जाएंगे। एक्सप्लोर किया है इंडिया में, ट्रेन का ट्रैवल कर करके इधर भी, यहाँ भी ट्रेन का ट्रैवल, बस सबको सिखा दूंगा भाई, ट्रेन का ट्रैवल ऐसे होता है भाई, डोंट वरी, हम बहुत एक्सपर्ट है ट्रेन में, राइट? पर आपको क्या डिफरेंट लगा, चलो वो एक्सपीरियंस बताओ आपको। हाँ, वहाँ इंडिया वहाँ टाइम का कुछ ठिकाना नहीं, और यहाँ तो एक मिनट, मतलब एक मिनट से पहले ही आ जाती है, बोलो, और पूरा लिख के आता है, अमेरिका का एक्सपीरियंस, वो बहुत डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंट है। तो बस तो चलो फिर आज का ब्लॉग यही पड़ता ही है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ मतलब ट्रैवल, ट्रेन में ट्रैवल अप डाउन वाले बहुत लोग बहुत है। होते हैं तो, और इतनी फ्रीक्वेंसी भी नहीं, जैसे मुंबई में है तो मुंबई की लोकल ट्रेन जैसे एकदम टाइम टू टाइम चलती है, वैसा है ये मुंबई में, जो लोकल ट्रेन टाइम टू टाइम, मतलब 12:01 1 सेकंड पे ही आती है, ऐसा नहीं कि दो भी हो तो ये लोग कंप्लेंट बहुत होता है ना, कंप्लेंट कर देते हैं कितने तो केस हो गए, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी दो तीन बार गई हूँ मैं,
मुंबई में वो ट्रेंड में माइक और बहुत पब्लिक होता है उसमें भी. अगर मतलब जो पहली बार मुंबई जाए और उनको चढ़ना हो वहाँ की मुंबई की लोकल ट्रेन में, इम्पॉसिबल राइट. एक बार हम गए थे, चाहिए एक बार हम गए थे तो आप लोग लेडीज में चढ़ गए थे और हम रह गए. मैं हम दूसरी ट्रेन में गए थे. चलो फिर आज का ब्लॉग यही भी एंड करते हैं और कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, खुशियों के साथ कुछ. ठीक है, ओके बाय. रख देती हूँ. और अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पूजन डायरीज. ओके बाय. ओके सो मिलते हैं कल वापस. बाय. एंजॉय.